नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। गोवा में हुई एससीओ समिट के दौरान एक बात बहुत चर्चाओं में रही थी, जब भारत आए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाथ नहीं मिलाया था और उन्हें जाने का इशारा किया था। इसे बिलावल भुट्टो की बेइज्जती के तौर पर देखा गया था, जिसके बाद से सवाल उठे कि एस जयशंकर ने आखिर ऐसा क्यों किया था। और अब इस पर आखिरकार एस जयशंकर ने खुद जवाब दिया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है। हुआ कुछ यूं था कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से एससीओ समिट के दौरान हाथ नहीं मिलाया। इस पर भारत से लेकर पाकिस्तान तक में बवाल देखा गया। बिलावल की बेइज्जती मानी गई इसे और अब इस पर ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना जवाब दिया है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर आज तक के शो सीधी बात पर पहुंचे थे, जहां उनसे इसी मुद्दे पर एक सवाल पूछा गया कि आपने बिलावल से हाथ क्यों नहीं मिलाया। इसके जवाब में जयशंकर कहते हैं, जब आप किसी इवेंट में आते हैं तो उसका अपना एजेंडा होता है और आप उस विषय पर रहते हैं। आगे वो कहते हैं, अब बिलावल आए एससीओ मीटिंग में, लेकिन वो इस मीटिंग का मिसयूज कर रहे थे और हमें ऐसा करने से रोकना चाहिए। तो जयशंकर के बयान को सुनने के बाद ये कहा जा रहा है कि बिलावल मीटिंग का मिसयूज कर रहे थे, यानी आए किसी और मकसद से थे और अपना पाकिस्तानी एजेंडा यहाँ फैलाने में लगे थे, इसीलिए उनसे हाथ नहीं मिलाया गया और रास्ता दिखा दिया गया। तो अब यहाँ ये साफ हो जाता है कि मीटिंग का मतलब ये नहीं था कि पाकिस्तान की करतूतों को भुलाया जा सके, उनके इरादों को भुला दिया जाए। फिलहाल आपको बता दें, इस साल भारत ने एससीओ की अध्यक्षता की थी। बैठक से पहले भारत के विदेश मंत्री ने एससीओ के मंच को संबोधित किया, जिसमें आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। जयशंकर ने बिलावल के सामने ही पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा, आतंकवाद को किसी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता, आतंकवाद को हर स्वरूप में खत्म करना चाहिए, आतंक की आर्थिक रसद बंद करने के लिए भी प्रभावी कार्रवाई जरूरी है। इन बयानों से आप समझ सकते हैं कि भारत का रवैया आतंकवाद को लेकर क्या है। भारत सिर्फ अपने देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से उठाता आया है। भारत का कहना है कि आतंकवाद की जड़ को खत्म कर देने में ही दुनिया की भलाई है। एस जयशंकर का पूरा बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन आपकी इस खबर पर क्या राय है, अपनी राय भी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। Was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say, spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SEO meeting itself. So let me come to the specifics. On the China-Pakistan economic corridor, this so-called corridor. I think it was made very clear, not once but twice in the SEO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. So this has been our long-standing position, nobody should have any doubt about it. And I assure you, those who are in the room today had no doubt about it. I made sure of that. Regarding आपका दूसरा जो था वो G20 के बारे में था। Now, you know, I don't think there is a G20 issue to debate with anybody.